एंड बिलीव मी, जब से मैं इंदौर कितनी बार आ चुकी हूँ एंड आई ऑलवेज विटनेस सच लवली ऑडियंस. हम कलाकार बस इसी चीज के लिए वी यर्न फॉर दिस कि वी गेट गुड ऑडियंस एंड गुड लिसनर्स एंड वी आर रियली विशिंग दैट यू कम. एंड थैंक्स टू राजेश जी, राजेश भैया, टू हैव ऑलवेज thought of me and Darshana and to have called us all the way from Mumbai as always. मैं उन्होंने मुझे इंदौर में इंट्रोड्यूस तो किया है एंड आई हैव, मैं सच बोलूँ तो आई हैव गॉट सच लवली ऑडियंस एंड लवली लिसनर्स बिकॉज ऑफ राजेश भैया. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑलवेज एंड गिविंग मी सच अ वंडरफुल मंच. थैंक यू दर्शना, आई एम श्योर यू वॉन्ट स्पीक समथिंग फॉर राजेश जी. हेलो, सच में शैलजा दीदी ने जो बोला कि 2 साल बाद हम यहाँ आए हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ राजेश भैया है, नरेश अंकल है, नीलेश जी है, इन सब ने हम पर विश्वास रख के इस पूरी टीम को यहाँ पे बुला के आपके सामने हम पेश कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी तालियों से हमें बहुत एनर्जी मिल रही है. ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखे आपकी. जी बिल्कुल, आज आई डोंट थिंक किसी को भी लगा होगा, इनफैक्ट स्टेज और ज्यादा सुंदर और ज्यादा वाइब्रेंट लग रहा है. तो अभी शायद लिखित करवाना पड़ेगा कि फीमेल बैंड को हर 2 महीने में एक बार होना चाहिए. सब ऑडियंस, ये कलाकार ताली बजाएंगे तो वो अर्जी मंजूर होगी. आइए, आप सबके प्यार और आशीर्वाद के साथ बढ़ते हैं आगे एज वी एंटर 90s. ऑफकोर्स 1988, जहाँ एक हीरोइन आई, गिनती सिखाई और सबका दिल जीत के ले गई. धक धक गर्ल कहिए या मोहिनी, शिफा आफ्ताब अंसारी जी आ रही है मंच पे. और जिस तरह का स्टारडम माधुरी दीक्षित जी ने